तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं हम इतना सारा क्रैकर्स लेकर आ गए हैं जिसमें न्यू क्रैकर है क्या? यस न्यू क्रैकर, सारे न्यू क्रैकर देख सकते हैं, इतना सारा कार्टून है देख सकते हैं। पीछे जब नहीं हटा है गाड़ी के डिक्की में तो हमने ऊपर ही बांध दिया है, तो बारी बारी से सभी क्रैकर को उतारते हैं और सजाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों का इसमें किस किस टाइप का न्यू क्रैकर है। देख सकते हैं कितना सारा है, हमने पूरा पूरा कार्टून भर के लिया है। देख सकते हैं टोटल 5 कार्टून है गाइस, तो इसको लगाते हैं सजाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस किस टाइप के क्रैकर है। गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने सारा कार्टून को गाड़ी से उतार लिया है, अब बारी है केवल इसमें से निकाल करके सभी क्रैकर को आप लोग को दिखाना कि हमने कौन कौन सा क्रैकर लाया है। तो सभी कार्टून को बारी बारी से खोलते हैं और सजाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं हूँ आरबी और मैं हूँ टकला। तो देख लिए गाइस हमने सारा फटाका को क्रैकर्स को न्यू क्रैकर को सेट कर दिया है जिसमें कि देख सकते हैं रंग बिरंगे हमने क्रैकर्स लाया है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे यूनिक क्रैकर है गाइस, आइए आइए दिखाते दिखाते सबसे यूनिक क्रैकर पीकॉक। देख सकते हैं ये पीकॉक क्रैकलिंग है, इसमें जैसे ही हम आग लगाएंगे इसमें से मोर को जो पंख जिस तरह से फैलता है उस टाइप से इसमें से पंख इसका निकलेगा। और भी है, और भी बहुत सारा हाथी वाला आए, देखिए एक न्यू फटाका गाइस, ये देख सकते हैं ये क्या है पप्पू, अरे इसका नाम पप्पू है, इसका दिखला रहे हैं यहाँ देखिए पप्पू, छोटा पप्पू लेकिन बड़ा धमाल, बोला था कि इसका बड़ा धमाल होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाथी का जो सूट दिया हुआ है इसमें से फ्लावर निकलने वाला है, ये हो गया। और साथ में ये देखिए गाइस, ये कुछ अनोखा है, ये कुछ यूनिक है, ऐसे देख सकते हैं इसमें दो दो गोले हैं, इसमें एक गोले में से 11-11 चक्री निकलेगा और चक्री सब आपस में जा करके बाहर निकल के नचने लगेगा, ये भी यूनिक है ना। चलिए चलिए ये भी और नया क्रैकर्स है, देख सकते हैं इसका नाम है एनिमल शावर। एनिमल शावर में दिखा देते हैं आप लोगों को, इसमें देखिए सभी अलग अलग टाइप के एनिमल दिए गए हुए हैं, जैसे मंकी हो गया, लाइन हो गया, उसके बाद और भी सारे एनिमल है देख सकते हैं, इसमें एक हेलीपैड भी है। तो इस सभी क्रैकर्स में देख सकते हैं यहाँ पर आग लगाने वाला है, इसको रख करके ऐसे आग हम लगा सकते हैं और इसमें से फाउंटेन निकलने वाला है, वो किस टाइप का फाउंटेन जब टेस्ट करेंगे उसके बाद आप लोगों को दिखलाएंगे। तो ये तो रख देते हैं इसको साइड में, और भी एक यूनिक लाया, तो गाइस एक चीज और दिखलाते हैं, हमने कितना मोटा कितना बड़ा पिलर लाया है देख सकते हैं गाइस, कितना मोटा है ये देख सकते हैं, एक बॉक्स में दो ही पिलर है, इतना मोटा मोटा पिलर है, जब ये फटेगा तो कितना मजा आएगा सोच सकते हैं आप लोग। ये हो गया और एक और यूनिक गाइस, एक चीज आपको बताना भूल ही गए हैं, देख सकते हैं आप लोग ये बहुत यूनिक है, जैसे चुटपुट होता है ना, चुटपुट का दादाजी ये है, जैसे चुटपुट होता है 1-2 सेकेंड के लिए चुटपुट आता है और हट जाता है, लेकिन गाइस ये 30 सेकेंड से भी ऊपर इसका चुटपुट होने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं प्राइस कितना है, 325 रुपया इसका MRP है। तो ये हो गया गाइस, ये फूटने वाला, वाओ एक यूनिक और क्रैकर है गाइस, देख सकते हैं आप लोग ये है कॉक का साइरन गाइस, इसमें 3 ठो आता है आपको कुलिया, ये जब ये कुलिया इसको बोल सकते हैं, ये लंबा वाला कुलिया है, ये सही इसको फोड़िएगा तो इसमें से साइरन जिस तरह से सीटी मारता है उस तरह से सीटी देता है ये, और सीटी देते हुए ऊपर की ओर इसमें से फुलझड़ी निकलता है। तो ये हो गया जैसा कि देख सकते हैं, उसके बाद अरे तरी क्या फूट पड़ा है, ओए तरी के ये तो मंकी जलने लगा ये तो बढ़िया इसका टाइमिंग है मंकी का, देख सकते हैं देखिए मंकी जल गया उधर, चलो भाई इधर बचा के यार, इधर क्रैकर्स भी है कहीं आ गया इसमें बचा के। तो इतना सारा है और भी बहुत सारे हैं, क्या क्या दिखाएं यार हम तो कंफ्यूज भी हो गए, इतना सारा है क्या दिखाएं आप गाइस। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं इधर गाइस एक और भी है, देख सकते हैं ये हो गया मैजिक फाउंटेन, देख सकते हैं जो हमारे लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे हैं वो लोग जानते हैं कि मैजिक फाउंटेन क्या होता है और देखे भी हैं। तो देखिए गाइस ये हो गया मैजिक फाउंटेन, इसका काम होता है कुलिया, पहले कुलिया अपना फ्लावर ये बिखरे करता है, उसके बाद लास्ट में ये ब्लास्ट करता है। तो ये हो गया मैजिक फाउंटेन, और साथ में गाइस
हमने 1000 वाला चटाई भी लाया है, देख सकते हैं आप लोग, ये 1000 वाला चटाई है। गाज गाज गाज, और क्या क्या दिखलावे आप लोग को, तरीके एक देख सकते हैं स्काई विस्लिंग, जो कि स्काई में जाता है, आप लोग को दिखलाते हैं इसका पैकिंग कितना है। एक कॉक का आता है, स्काई विस्लिंग है, जब स्काई में जाता है तो सीटी मारते हुए जाता है गाज, देख सकते हैं इसका पैकिंग कितना मजबूत है। इसमें 10 टोर आता है, देख सकते हैं 10 पीस रहता है, बहुत प्रीमियम देखने में लग रहा है क्या। तो इसका क्वालिटी देखिए कितना मस्त है, एकदम से मस्त क्वालिटी, लेकिन हल्का है, मुर्गा वालों ने सब चीज़ हल्का करते जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं है, इसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है लेकिन क्वालिटी इसका लो होते जा रहा है। अरे अरे क्या कर रहे हो यार, इधर आकर फट जाएगा, अरे इधर आकर फट जाएगा, कहीं इसमें आया सब बर्बाद हो जाएगा, सब फट जाएगा, क्योंकि उसको जब लोग गाय तो रॉकेट है, रॉकेट किधर भी जा सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक सेटअप करना होता है, जैसा कि हम लोग बोतल लगते हैं या पाइप खिलाते हैं, तब उसके बाद इसमें आग लगाते हैं ताकि ये एक निश्चित दिशा की ओर जा सके, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो किधर भी जा सकता है। तो गाय देखिए और भी मेरे पास है क्रैकर, जैसे कि देख सकते हैं ये, जैसे कि पेंटा है उस टाइप से ये भी हो गया, लेकिन पेंटा तो सीधे ओनली स्काई में जाता है और आवाज करता है, लेकिन ये क्रैकलिंग करते हुए स्काई में जाएगा और वहां पर ब्लास्ट करेगा। तो देख सकते हैं इतना सारा क्रैकर्स है, और भी बहुत सारा है, जैसे फ्लावर में दिखाते हैं, फ्लावर पोस्ट देखिए गाय, ये फ्लावर पोस्ट देख सकते हैं, डिलक्स कॉक का ये भी है, एक ये कुलिया है, कुलिया भी हमने कई प्रकार के लाया है, देख सकते हैं ये कुलिया हो गया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कलर पोट है, ये भी सील ही है। अरे लाओ चाकू किधर रख दिए हो, चाकू तो लाओ इसको, तभी तो पारेंगे यार, चाकू भी नहीं खुल रहा है तुमसे भाई, इससे चाकू भी नहीं खुल रहा, देख सकते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से लाए हैं, कलर कोटी ये सुप्रीम का है गाइस, तो हमने कलर कोटी सुप्रीम का लाया है, देख सकते हैं, जो कि इसका साइज देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा है ना, ऑसम है गाइस। इससे भी बड़ा हमने कुलिया लाया है, जो कि आप लोगों को दिखलाते हैं, कहाँ गया यार, अरे वो 30 फीट वाला कुलिया किधर गया, 30 फीट वाला कुलिया ये रहा कहाँ, आई गाइस, जब ये कुलिया हमने खरीदा था गाइस तो काफी सरप्राइज होकर खरीदा था, क्योंकि दुकानदार ने कहा जब हम इसको फोड़ेंगे तो इसका हाइट जो होगा गाइस जो 30 फीट तक जा सकता है, वो हमें वीडियो भी एक दिखलाया था, जो वीडियो पहले से बना हुआ था, इसका हाइट वास्तव में गाइस काफी ऊंचा था, लेकिन अनुमान नहीं लगा पाए थे कितना है, जब ये फोड़ेंगे आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाएंगे, उस समय दिखाएंगे कि कितना इसका हाइट जाता है। ओए क्या कर रहे हो, अरे यार बचा के, अरे अरे क्या किए हो, नागिन था, अरे देखे क्या फोड़ना, लगा दो पूरा झड़ी में आग, लगा दो पूरा, इसको भी हटाओ, वाह पेंटा भी तो आप लोग देखे होइएगा, अरे बचा के, पेंटा भी तो आप लोग देखे होइएगा, वाह 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 वाह, तेरी कहाँ चला गया यार, तो देखा इस लोग का आतिशबाजी भी जारी है, लेकिन बचा के कहीं एक भी इधर आ गया उड़ करके। अभी आप लोगों को दिखला देते हैं कि कौन सा क्रैकर किस टाइप का है और किसका कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं हमने स्काई शॉट में 7 साउंड वाला में रेड वाला भी लाया है, इसका हमने ग्रीन वाला भी लाया था, ये रहा। देख सकते हैं ग्रीन वाला भी है, ये देख सकते हैं, तो हमने दोनों का एक पीस लाया है, दोनों को जब एक साथ छोड़ेंगे तो कितना मजा होगा देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद गाइस 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 2 साउंड में भी है, देख सकते हैं इसमें से 2 साउंड देता है, और साथ में देख सकते हैं इसमें हमने जो शुरू में बताया था चुटपुट, तो ये देखिए छोटा वाला चुटपुट ये हुआ, उसी का बड़ा वाला दादाजी यहाँ पे है जो कि काफी बड़ा है, और देखिए बम में जैसे दिखाते हैं बम के वैरायटी में मेरे पास कौन कौन सा बम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया गाय अग्नि बम, और इससे भी बड़ा और हेवी हो गया जो कि देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया गाय डिजिटल बम, और क्या फट रहा है, हम बम इधर मत ला रहे हैं, तो बम फाड़ रहा है यार, पूरा बम फाड़ देगा ये, इधर भी आग लगा देगा, और क्या पॉप भी, जो कि बच्चे लोग का काफी पसंद होता है पॉप, हमने पॉप भी लिया है ताकि इसका भी कहीं कहीं यूज हम लोग को पड़ जाता है। ये क्या है, पॉप भी लाया, अरे ये क्या है, ये तो हम अभी खोल के देखे भी नहीं है, इसको देखना होगा खोल के इसमें क्या है गाइस, अरे तेरी ये तो झिलमिल है, देख सकते हैं ये झिलमिल है जो हम लोग बचपन में एक एक निकाल करके फोड़ते थे, याद है क्या, तो हम लोग आज बचपन में एक एक निकाल करके इसको यूं लगा लेते थे आग, यूं फोड़ते थे, आज हमने इसका पूरा पैकेट निकाल लिया, अरे हाथी तो पानी बहुत देगा, देख सकते हैं हाथी देखने में कितना लग रहा है हैंडसम, हमको तो सबसे मस्त ये लग रहा है गाइस, और एक ये पीकॉक, एक एलिफेंट और पीकॉक,
इसको फोड़ने में मजा आ गया, तो देखने में कितना मजेदार लग रहा है देख सकते हैं। और ये केक वाला और उसके साथ ये वाला देख सकते हैं क्या है, पोगो सावर। इसमें तरह तरह के जो भी बच्चे लोग का जो कार्टून नहीं होता है गाइस, जो टीवी में बच्चे लोग देखता है उसी के कार्टून में क्रैकर्स बनाया गया हुआ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हमने सारा क्रैकर्स आपको दिखला दिया, सारा नहीं दिखलाया गया, जो बहुत सा क्रैकर्स बाकी रह गया जिसका नाम भी हम नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि दुकानदार भी नाम नहीं जानता था किसका क्या नाम है। बहुत से ऐसे में अभी क्रैकर्स है जिसका नाम हमको नहीं पता है, जिसको आप लोग को दिखा नहीं पाए हैं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा था, तो बाकी क्रैकर्स को टेस्टिंग करेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किसका क्या नाम है और क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग इस फटाके का टेस्टिंग देखना चाहते हैं, इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, करिए दीजिए भाई अभी कर दीजिए, और जल्दी से एकदम बेल आइकन दबा दीजिए कि ऐसा ऐसा टेस्टिंग हम लोग आपके पास लाते रहे। और कमेंट कर दीजिए, कर दीजिए भाई, इतना प्यार से बोल रहा है तो आप लोग कर दीजिए, एक स्केल नाम पे लाइक आप लोग जरूर ठक दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर आप लोग इसके टेस्टिंग के वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए प्लीज।